जयराम जी की, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड पर। मनरेगा के जरिए पादरी चेक डैम के पुनरुद्धार को काम शुरू। बात करें झांसी की, करीब 10 साल से चौक बड़ा पादरी चेक डैम को पुनरुद्धार कराओ जा रहा है। मनरेगा के जरिए आज से काम शुरू करा दो गया है और इस चेक डैम की मदद से आसपास की करीब 250 एकड़ असिंचित भूमि की रबी सीजन में भी सिंचाई हो सके। पिछले कई वर्षों से चेक डैम के लगातार सिल्टेड हो जावे की वजह से पानी नहीं भर पा रहा तो और अभियंताओं को दावा है की मदद से भूजल का रिचार्ज करने में भी मदद मिले। न खाते को ब्योरा मांगो, न एटीएम कार्ड बदलो, फिर भी उड़ा दे रकम। बात करें झांसी की, न बैंक खाते को ब्योरा मांगो, न एटीएम कार्ड हत्याओ, बासुदी के बैंक खाते से रकम उड़ा दी गई। साइबर अपराध को जो 9 ट्रेड सामने आओ, दो बार में 20,000 रुपया की धनराशि के खाते से निकाल ली गई। अपराधी ने कारनामे का अंजाम फिंगरप्रिंट की मदद से दाव है। महत्वपूर्ण है जल जीवन सड़क निर्माण को काम। बात करें चित्रकूट की, कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन और महत्वाकांक्षी जनपद चित्रकूट की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक हुई है। जीवन जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कार्य की जानकारी ली और कही है कि GWTO पे ज्यादा कार्य बाकी है, उन पे ज्यादा ध्यान दो जाए। रेलवे पुल की भी जल्द से जल्द कार्य हो, नेशनल हाईवे को जल्दी से पूरा करें। जिलाधिकारी ने कही है कि संस्था कार्य का प्रगति दे, जल्द काम पूरा करने के लिए अधिकारी और इंजीनियर और बढ़ा जाए। CDO अमित आसेरी ने कही है कि इन कार्य का हर दिन मॉनिटरिंग करें। खुलो हनुमान धारा रोप वे पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। बात करें चित्रकूट की, धर्मनगरी के हनुमान धारा स्थित रोप वे को संचालन शुरू हो गया है। रोप वे से जावे वाले श्रद्धालु की सुरक्षा और COVID-19 नियमन को ध्यान रखो जा रहा है। जल्द ही 36 करोड़ से चमाचम हुई है घोड़ा बंधोड़ी मार्ग। बात कर रहे हैं को जालौन की, तो डकोर ब्लॉक की घोड़ा बंधोड़ी मार्ग के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। लगभग 12 किलोमीटर सड़क CC बन है और इसकी लागत 36.36 करोड़ रुपया बताई जा रही है। बता दें सड़क बनने से ग्रामीण का कई समस्याओं से निजात मिल है और मार्ग पे 6 गांव पड़त हैं। सड़क न होने से एम्बुलेंस आदि वाहन गांव में नहीं पहुंच पा। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सड़क में लगने वाले बिजली के पोल के लिए 1.45 रुपया खर्च करे गए हैं और सड़क 7 मीटर चौड़ी भई और PWD के अफसर अभियंता अर्शद खान ने बताओ कि सड़क किनारे टेंडर भी बढ़ चुके हैं, खुलते ही वो काम चालू हो जाए। ग्रामीण को कहो है कि बरसात के सीजन में जो लोग शहर से संपर्क कर जाते तो जिसे उन्हें लंबो चक्कर काटने पड़ा तो। बदलगांव ट्रांसफार्मर चालू भई ट्यूबवेल से वाटर सप्लाई। बात करें को जालौन की, नगर में बजरिया स्कूल के समीप स्थित जल संस्थान के ट्यूबवेल नंबर 4 पे रखो जा ट्रांसफार्मर बीते एक पखवाड़े से खराब पड़ो तो। जिसके चलत पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी भई थी और 4 मोहल्ला सुभाष नगर, गोखले नगर, गांधी नगर और मालवीय नगर के बासिंदे उमस भरी भीषण गर्मी में पेयजल संकट से परेशान हते। SDM अशोक कुमार ने गुरुवार का मौका पे पहुंच के खराब ट्रांसफार्मर को निरीक्षण कराओ तो और इसके बाद SDM ने SGO विद्युत का अविलंब उक्त ट्रांसफार्मर बदलवे के लिए निर्देशित करो। मंडल में 7,000 तालाब खोदे गए हैं। जी हाँ, बात करें बांदा की, चित्रकूट डाम मंडल में ई वर्ष 7,000 नए तालाब खोदे गए हैं। खेतन का पानी मिलने के संगे भूजल स्तर भी सुधर है और ई में 4,480 तालाब के तालाब योजना से खोदे गए हैं। तालाब में मिलने वाले अनुदान की राशि और बढ़ावे के लिए शासन से अनुरोध करोगे है। जिला अस्पताल में लग है बायोमेट्रिक हाजिरी। बात करें महोबा की, जिला अस्पताल में अब चिकित्सक और स्टाफ की मनमानी न चले। ड्यूटी पर समय से अस्पताल पहुंच के उन्हें बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी हुई है और इकलै के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जिला अस्पताल के CMS का स्टाफ का निर्देश दो है। ऐसी जो खास और फटाफट खबरें के लाने बुंदेलखंड पर भी शिवानी तिवारी के साथ लगातार बने रहे। जयराम जी की, जय बुंदेलखंड।